अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बर में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर टच करना ताकि मेरी जो अगली नई वीडियो आए इसके आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरी वीडियो पर लाइक करते हैं सबको थैंक यू सो मच है जी। तो देखिए, अभी मेरी वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया था और उसके हिसाब से नेक पेन भी हो गया था यहाँ पे। और क्या है कि आप जब फिजिकल फिट नहीं होते ना तो मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस डिस्टर्ब वाली हालत में आपके सामने मैं कैसे आ सकती थी। डॉक्टर ने बोला था कि आप रेस्ट करना, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। इसके हिसाब से मुझे एक पैर में भी बहुत ही दर्द हो रहा था बैक के हिसाब से, और नेक में भी, और मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी इसलिए मेरी 10 दिन तक कोई भी वीडियो नहीं आई। तो जो मेरा सब पूछ रहे थे पर्सनली कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो इसका जवाब यही है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, व्लॉग नहीं बना रही थी और शूट भी नहीं कर पा रही थी, और खाना भी इतना ज़्यादा मुझे बनाती नहीं थी क्योंकि बच्चे थे वो थोड़ा बहुत बना लेती थी और काम भी वो ही कर लेती थी, क्योंकि मैं बेड से जरा भी उतर नहीं पा रही थी। थोड़ा सा उतरती तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो जाता था दर्द। इसके लिए मैंने अभी 10 दिन तक मैंने पूरा रेस्ट किया है, इसके बाद ही मैंने आज वीडियो स्टार्ट की है। तो भले ही मेरी यूट्यूब की फैमिली बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही प्यार करने वाली और इज्जत देने वाली है, इसलिए आप सबको थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब ने मेरी तबीयत जानने के लिए सब ने मैसेज किए पर्सनली कि आप क्यों व्लॉग नहीं बना रही हैं। तो देखिए, आपको मैं बता देती हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी इसलिए तभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी तबीयत बेहतर है। आप सब दुआ कीजिए कि अब थोड़े दिन, जैसे कि 15 दिन हो जाएंगे तो डॉक्टर ने बोला ज़्यादा ठीक हो जाएगा, तो सब दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए और मैं आपसे ब्लॉग शेयर करूँगी। आज थोड़ा सा मैंने शूट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, और मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी की है, तो मैंने क्या मंगवाया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है। तो देखिए, मुझसे तो जितना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, नई नई जो चीज़ें होती हैं जो मैं घर में बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तभी मैं जो वीडियो बनाती हूँ इसको लगभग 9 से 10 महीने हो गए हैं, तो मुझे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने एक साल में, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिएगा और आप मेरी जो वीडियो की लिंक है वो आप सबसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मुझे एक साल के अंदर 1K कंप्लीट करने हैं, 1000 सब्सक्राइबर, तो आप सब मेरी मदद कीजिएगा, और आप मदद के बिना मैं आगे नहीं आ सकती, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब शेयर कर दीजिएगा, ताकि अभी 2-3 महीने की देर है ताकि मेरे 1 साल के अंदर 1K सब्सक्राइबर हो जाए, और उसके साथ मुझे 4000 लाख वॉच टाइम भी पूरा करना है। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं, मेरी छोटी सी फैमिली, तो प्लीज़ आप सब मेरी हेल्प कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये अपम का जो होता है ना वो मंगवाया है, तो ये ले मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो देखिए, और काफ़ी सस्ता मुझे लगा इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था। और ये पूरा देखिए आप, नॉनस्टिक है, तो ये पूरा नॉनस्टिक है, तो मैंने कहा कि चलो आपसे शेयर कर देती हूँ ये इसके साथ। और एक इसको साफ करने के लिए भी आया हुआ है, तो देखिए मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया है और बहुत अच्छा है, तो मैं इसकी रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब भी मैं अपम बनाऊँगी ना तो बस 1-2 दिन में बनाऊँगी, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम हेल्दी खाना भी खा सकते हैं और अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि अपम किस तरह से बनाते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ली है, कढ़ाई ली है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। तो देखिए, ये भी मैंने ली है कढ़ाई, तो ये मैंने बाज़ार से ली है, तो ये भी कैसी लगी आपको आप ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैंने 2 तो पहले ले गई ली थी लेकिन ये
जो इसका जो तल आता है ना वो झाड़े वाला एसी, मुझे कढ़ाई की जरूरत थी तो ये भी मैंने ले लिया है, क्योंकि दो तो थी लेकिन वो इतनी मोटी नहीं थी, इसलिए मैंने ये भी परचेज कर ली है, ये मैंने बाजार से ली है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2-3 दिन की मलाई जमा की हुई थी, तो मैंने ये फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो इसे 5-6 घंटे पहले मैंने बाहर निकाल लिया है। और इसमें आज हम आज इसका मलाई का घर से ही बटर बनाएंगे, और इतना अच्छा बटर मिलता है ना कि आप बाजार का भी बटर भूल जाएंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने मलाई को फेंट लिया है, और इसमें 1 चम्मच मैंने दही का डाल दिया है, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप भूल जाएंगे कि बटर जो बाजार में मिलता है वो आप कभी नहीं खरीदेंगे, और इस तरह से आप घर में बनाएंगे। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। और 30 मिनट बाद देखिए ये इसे हम बड़े बर्तन में ले लेंगे इस मलाई को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही बटर बनाया है आपके साथ, जो मुझे बताना था कि किस तरह से बटर बनता है, वरना आप 8 दिन की मलाई से भी बना सकते हैं। तो देखिए इसे खुले बर्तन में हम इस मलाई को निकाल लेंगे, और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे 1 मिनट के लिए। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है, देखिए इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। अगर आपको चम्मच से नहीं फेंटा जा रहा है तो आप बीटर की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 पिंच मैंने हल्दी ले ली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो आप देखिए नमक संभाल के डालिएगा, क्योंकि बहुत खारा बटर हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है। और हल्दी भी मैंने पिंच ही डाली है, क्योंकि ज़्यादा हल्दी हो जाएगी तो एकदम बाजार जैसा इसका लुक नहीं आएगा। और इसे बस हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है, बस इस तरह से ही 1-2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। देखिए इस तरह से हम लगातार इसे चलाते ही जाएंगे, तो देखिए ये किस तरह से हो जाएगा, एकदम ये इसे फेंटते जाएंगे इस तरह से, तो एकदम ये फ्लफ़ी हो जाएगी जो हमारी मलाई है। तो इसमें हमें 1 चम्मच दही ज़रूर डालना है, नहीं तो क्या है बटर हमारा बाजार जैसा नहीं बनेगा। अगर आपके पास विनेगर है तो 2 ड्रॉप्स आप विनेगर के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें लेमन नहीं डालिएगा, नहीं तो अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। या तो सिर्फ आप विनेगर थोड़ा यूज़ कीजिएगा, या फिर दही, मैं हमेशा दही से डाल के ही बटर बनाती हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए इसका लुक एकदम चेंज हो गया है, और देखिए इस तरह से एकदम से इसे हमें चलाते रहना है। तो ये 2 मिनट तक तो मैंने इसे एकदम फास्ट हमें इसे चलाते रहना है, देखिए किस तरह से हमारी मलाई जो है इसका लुक हो जाएगा। तो आप बीटर की मदद से भी इसे फेंट लें, तो देखिए हमारा बटर है वो अलग रह जाएगा, और इसका जो पानी है वो भी अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें चिल्ड वाटर लेना है, ठंडा पानी। तो यहाँ पे तकरीबन आधा ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, तो इसे हमें फिर से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे पानी के साथ ही। देखिए इस तरह से हमें 1 मिनट फिर से इसे बटर को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। देखिए तो बटर हमारा काफ़ी अच्छा बन जाएगा, और ये छाँस निकल आएगी साइड से, देखिए, और बटर हमारा एक तरफ ही रह जाएगा। देखिए इस तरह से हमें चलाते रहना है, और बटर हमारा छाछ से एकदम ही अलग हो जाएगा। देखिए तो ये जो हमारा जो बटर है इसे हम साइड अभी कर लेंगे, और जो जे हमने जो ये छाछ है ना उसे हम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो अब यहाँ एक बर्तन में हम इस छाछ को निकाल लेंगे, और बटर हमारा इसमें ना जाने पाए। देखिए और देखिए ये छाछ भी हमें काम आ जाएगी। तो अब देखिए बटर हमारा कैसा हो गया है, आपको बताती हूँ। फिर से इसमें थोड़ा सा हमें पानी आधा ग्लास के करीब हमें इसमें डालना है इस बटर को, ताकि इसमें थोड़ा सा भी खट्टापन नहीं रहना चाहिए। देखिए बटर में जो हमने दही ऐड किया था ना इसमें, हाँ, तो देखिए फिर से हमें इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है इसे। तो हमारा बटर काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से बन जाएगा, देखिए इस तरह से। तो हमें लगातार इसे फेंटते ही रहना है, चलाते ही रहना है। तो देखिए हमारा बटर यहाँ पे एक साइड हो जाएगा, और छाँस हमारी एक साइड रह जाएगी। देखिए ये सेम प्रोसेसर है जो हमने पहले किया था, वो ही हमें करना है। तकरीबन हमें इसे 3 बार करना है, देखिए। और पानी हमें बिल्कुल ही ठंडा फ्रिज का लेना है,
गरम पानी जो भी मट जो हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं ना मटके का, वो नहीं लेना है हमें। फ्रिज का चिल्ड पानी ही लेना है। अगर आप ठंडियों में बना रहे हैं, ठंडी के मौसम में, तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें ये पानी यूज़ नहीं करना है मटके का, और हमें चिल्ड वाटर ही, ठंडा ही लेना है फ्रीज़र का। एकदम चिल्ड पानी ले गई ना, तो इससे हमारा बटर बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो बटर है एकदम से माशाल्लाह से बन गया है, देखिए आपको बताती हूँ। और थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, इसे दबा के एकदम कोंच करके हमें पानी बिल्कुल भी इसे निथार लेना है। और साइड से देखिए इस तरह से आप रखेंगे ना, तो पानी बिल्कुल ही निथर जाएगा। प्लेट मैंने ले ली है और इसमें बटर पेपर रख लिया है, और इसमें हम बटर रख देंगे, तो बिल्कुल ही बाजार जैसा टेस्ट भी इसका अच्छा आता है और बनता भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है बटर। और इसे हम अच्छे बटर पेपर में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें निकलने में आसानी हो जाती है। अगर आप चाहें तो एक डब्बे में भी भर के रख सकते हैं। तो इसे देखिए मैंने इस तरह से जमा लिया, और फ्रिज में हम 2 घंटा तक रख देंगे, 1.5-2 घंटा तक फ्रिज में, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा जो बटर है वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही बताया है आपको बना के, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन 8 दिन से ज़्यादा, 8 दिन के बाद इसे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ घर की चीज़ों से ही बटर बनाया है। तो देखिए हमारा 1.5 घंटे के बाद मैंने बटर निकाल लिया था फ्रिज से, और देखिए बटर पेपर कितना आसानी से निकल जाता है, और हमारा जो बटर वो एकदम सेट हो गया है। अब इसके हम पीस कर लेंगे, तो आप चाहे तो इस ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, इसकी कोई आइटम भी आप बना सकते हैं। और जब हम गार्लिक ब्रेड बनाए, इसमें भी बटर अच्छा लगता है ये, तब इसके हम पीस कर लेंगे और फ्रीज़र में फ्रीज कर देंगे। तो आपसे मैं फिर से कहती हूँ कि ये 8 दिन ही हमें यूज़ करना है, 8 दिन के बाद यूज़ नहीं करना है। तो बच्चों को आप इसमें गरम गरम रोटी पे लगा के दे, तो ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, और हमारा घर का बनाया हुआ होता है। देखिए यहाँ पे मैं रोटी पे लगा के आपको दिखाती हूँ, और ब्रेड पे भी आप लगा के खा सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरे ब्लॉग का एंड करती हूँ, तब अगले वीडियो में मिलते हैं, और दुआ में खास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।